हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 11। इन दिस चैप्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीवर्स। ट्रीवर्स मींस व्यापारिक युद्ध। व्यापारिक युद्ध का मतलब इस प्रकार के व्यापारिक युद्ध का मतलब ऐसे युद्ध जो जिनकी शुरुआत हुई थी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारणवश, यानी जैसे कि कुछ आप जानते हैं कि व्यापारिक कंपनियां भारत आई थी, जिसके सबसे पहले पुर्तगाली, इंग्लिश, फ्रांसीसी, डच इत्यादि कंपनियां भारत आई, और इन कंपनियों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा हुई या होड़ हुई व्यापार करने की, या व्यापार की जो होड़ हुई इन कंपनियों के मध्य, और इसी होड़ या प्रतिस्पर्धा के कारणवश या इसी व्यापार की होड़ या प्रतिस्पर्धा व्यापार की इसी व्यापार की होड़ या प्रतिस्पर्धा के कारणवश जो युद्ध हुए, उन युद्धों को व्यापारिक युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ट्रेड वॉर्स मीन्स व्यापारिक युद्ध। ऑल द यूरोपियन कंपनीज सभी यूरोपीय कंपनियों के मध्य अब ऊंची प्रतिस्पर्धा थी। They all bought the same things. Fine quality of cotton and silk, paper, cloths, cardamom and cinnamon, which were in great demand in Europe. वे सभी समान वस्तु को खरीदना चाहते थे या वे सभी समान वस्तुएं खरीदना चाहते थे। उच्च गुणवत्ता वाली कपास एवं रेशम, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाली कपास एवं रेशम, काली मिर्च, लौंग इलायची, दालचीनी इत्यादि, जिनकी अत्यधिक मांग थी यूरोप में। कंपटीशन अमंगेस्ट यूरोपियन कंपनीज पोस्ट ऑफ द परचेसिंग प्राइस इन इंडिया एज वेल एज सेलिंग प्राइस डिक्रीज इन यूरोप, और जो प्रतिस्पर्धा थी यूरोपीय कंपनियों को मिली, यूरोपीय कंपनियों के प्रतिस्पर्धा होने की वजह से या अत्यधिक प्रतिस्पर्धी यूरोपीय कंपनियां होने की वजह से, यानी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी यूरोपीय कंपनियां होने की वजह से जो खरीद मूल्य था वस्तु का, यानी जो परचेसिंग प्राइस था, वो बढ़ गया भारत में, यानी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की वजह से जो वस्तुएं थी और जो वस्तुएं जिनकी डिमांड यूरोप में थी, उन वस्तुओं का जो परचेसिंग प्राइस था, उन वस्तुओं का जो परचेसिंग या खरीद मूल्य था, वो बढ़ गया था भारत में, यानी भारत से जो वस्तुएं यूरोप ले जाते थे उन वस्तुओं का परचेसिंग या खरीद मूल्य भारत के अंदर बढ़ गया था प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि कंपनियां अनेक थी और अनेक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होने की वजह से उनका या उन वस्तुओं का जिनकी मांग थी और जिनकी मांग उन वस्तुओं का जिनकी मांग यूरोप में थी, उन वस्तुओं का खरीद मूल्य बढ़ गया, और खरीद मूल्य तो बढ़ गया किंतु उनका जो सेलिंग प्राइस था वो घट गया यूरोप के अंदर, और जो बेचने का मूल्य था वो यूरोप में घट गया था। बेचने का मूल्य यूरोप में घट जाने की वजह से लाभ की मात्रा कम हो गई थी। लाभ जो कमाते थे वो, यानी जब प्रतिस्पर्धा हो गई और प्रतिस्पर्धा होने की वजह से जो माल या जो सामान वे भारत से यूरोप ले जाते थे, वो उस माल की या उस वस्तु की या उन वस्तुओं की कीमत भारत में बढ़ गई, यानी बड़ी कीमतों को उनको खरीदना पड़ता था, और साथ में अनेक कंपनियां होने की वजह से यूरोप में उसी समय जो उन वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस था, यानी जो बेचने का मूल्य था, वो घट गया, और इस कारणवश जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई यूरोप के मध्य या इन कंपनियों में इन कंपनियों में इस वक्त ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई
इन कंपनियों के सब ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो गई तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट या लाभ की मात्रा कम होने लगी। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, बिकॉज ने प्रॉफिट को कम कर दिया जो वे कमाते थे, यानी लाभ को इसने कम कर दिया जो ये कंपनियां कमाती थी। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग रिवाइवल कॉम्पिटिटर्स। और अब एकमात्र व्यापार का माध्यम रह गया था, या व्यापार में अत्यधिक लाभ कमाने या व्यापार का विस्तार करने का एक तरीका रह गया था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को वहां से हटा दे, हटा कर ही वो लाभ कमा सकती थी। यानी अपने व्यापार का विस्तार करने का एकमात्र अब जो उद्देश्य रह गया था या एकमात्र सहारा ये रह गया था कि वो उनकी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां थी उन प्रतिस्पर्धी कंपनियों को वहां से हटा दे। ईच कंपनी वाज सपोर्टेड बाय इट्स ओन गवर्नमेंट, और प्रत्येक कंपनियों को उनकी स्वयं की सरकार की, यानी उनके स्वयं की सरकार की सहयोग था, या उनकी उस देश की जो कंपनियां जिस देश की हुआ करती थी उन सब कंपनियों को उनके स्वयं की सरकार का सहयोग था, यानी वो सपोर्ट करती थी इन कंपनियों को जो अलग अलग देश की जो कंपनियां व्यापार करती थी, और इन कंपनियों को इनकी स्वयं की सरकार का भी सहयोग था। द रिवाइवल अमंग द यूरोपियन नेशन वाज so intense that now trade was carried on with arms। और जो प्रतिस्पर्धी इन यूरोपीय राष्ट्रों जो rivalry among these European nations was so intense that now trade was carried on with arms। और प्रतिस्पर्धा अब यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य बढ़ गई, यानी इन कंपनियों को उन देशों का सहयोग था या उन देशों का सपोर्ट था, और इस कारणवश इन देशों के मध्य अब प्रतिस्पर्धा या इन देशों के मध्य प्रतिस्पर्धी भाव उत्पन्न हो गया था, और जो कारण बना अब जो ये व्यापार कारण बन गया था एक हथियार वाले युद्धों का या युद्ध के माध्यम से व्यापार करने का कारण बन गया था। युद्ध के द्वारा व्यापार में लाभ कमाना या युद्ध के माध्यम युद्ध का अब व्यापार एक युद्ध की व्यापार ने युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था, या अब इन देशों के मध्य हथियार के माध्यम से प्रतिस्पर्धा हथियार के माध्यम से प्रतिस्पर्धा इन देशों के मध्य हथियार के माध्यम इन देशों के मध्य हथियार के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चुकी थी। यानी युद्ध के द्वारा व्यापार में अत्यधिक लाभ कमाना और अपने प्रतिस्पर्धी देश को उस स्थान से दूर करना, यानी अब युद्ध एक माध्यम बन गया था व्यापार में, जिसके माध्यम से अब व्यापार में लाभ कमाया जा सकता था, या लाभ तभी संभव हो पाएगा जब अपने प्रतिस्पर्धी कंपनी को वहां से हटा देंगे। They engaged bloodshed on the open sea। उन्होंने शुरुआत कर दी, उनके मध्य शुरुआत हो चुकी थी खुनी संघर्ष की समुद्र के मध्य, यानी खुले समुद्र में अब खुनी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। खुले समुद्र में अब संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blocked routes and prevent rival ships from moving with supplies of goods. 17th से 18th शताब्दी के मध्य, यानी लगातार through the 17th and 18th century, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में लगातार they regularly sank each other's ships, यानी उन्होंने लगातार एक दूसरे के जहाजों को डुबोया, block routes आवागमन के मार्ग को बंद कर दिया, यानी आवागमन के मार्ग को उन्होंने बंद कर दिया, and prevent rival ships from moving with supplies of goods, और साथ में जो माल को ले जाने वाले जहाज थे
and prevent rival ships from moving with the supplies of goods. और जो माल ले जाने वाले जहाज थे उन जहाजों के आवागमन को या उनकी हलचल को या उनके आवागमन उन जहाजों की आवागमन को इन देशों ने या विरोधी देशों ने रोक दिया. मोस्ट ऑफ द पोर्टर्स पोजिशन इन इंडिया वर टेकन ओवर द डच. यानी जो 17वीं शताब्दी में जो प्रतिस्पर्धी देश थे उन्होंने एक दूसरे के समुद्र में एक दूसरे के जहाजों में डुबाया, आवागमन के मार्ग को बंद कर दिया और साथ में जो जहाज थे जो कि माल ले जाते थे या जो सप्लाई करते थे जहाज उन जहाजों की गति को रोक दिया या उन जहाजों की जो हलचल थी या जो आवागमन बंद थे उन जहाजों के आवागमन को भी अब प्रतिस्पर्धी या विरोधी देशों ने या इन प्रतिस्पर्धी देशों ने या इन विरोधी देशों ने अब इन पर रोक लगा दी. मोस्ट ऑफ द पोर्टुगीज पोजेशन इन इंडिया वर टेकन ओवर बाय द डच. अधिकांश पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया गया या खदेड़ दिया गया या हटा दिया गया डच लोगों के द्वारा या जो डच लोग थे उन्होंने अधिकांश पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया वो या उनके शत्रुओं से हटा दिया. द डच एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत अहमदाबाद भरूच नागापट्टनम भरूच नागापट्टनम एंड मुसलीपट्टनम. डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए सूरत अहमदाबाद भरूच नागापट्टनम और मुसलीपट्टनम में डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए. हाउएवर देयर रियल इंटरेस्ट ले इन प्रॉफिटेबल स्पाइस ट्रेड विद इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ फार ईस्ट. फिर भी उनकी वास्तविक रुचि बनी रही या उनके वास्तविक लाभ कमाने का क्षेत्र बना रहा जो सुदूर पूर्व या जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह है. ये क्षेत्र उनका एक वास्तविक लाभ कमाने का क्षेत्र बना रहा या उनकी वास्तविक रुचि इंडोनेशिया की समूह और सुदूर पूर्व में बनी रही. द ब्रिटिश डिफीटेड देम एंड टुक कंट्रोल ऑफ देयर इंडियन पोजेशन बाय द मिडिल ऑफ 18th century. द ब्रिटिश डिफीटेड देम. अंग्रेजों ने उनको पराजित कर दिया एंड टुक कंट्रोल ऑफ देयर इंडियन पोजेशन और अपने नियंत्रण में ले लिए उनके अधिकार क्षेत्रों को बाय ऑफ द मिडिल 18th century मध्य 18वीं शताब्दी में कहते अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और उनके जो अधिकार क्षेत्र थे यानी उनके अधिकार क्षेत्र थे उन अधिकार क्षेत्र को अपने नियंत्रण में या अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में अंग्रेजों ने ले लिया. यानी 18वीं शताब्दी में उन्होंने डच लोगों को पराजित कर दिया और उनके नियंत्रण क्षेत्रों पर या उनके अधिकार क्षेत्रों पर अब अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. द ब्रिटिश डिफीटेड देम एंड टू कंट्रोल ऑफ देयर इंडियन पोजीशन बाय द मिडिल ऑफ 18th century. यानी डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और उनके अधिकार क्षेत्रों पर मध्य 18वीं शताब्दी तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया. द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वर पांडिचेरी नाव पुडुचेरी चंद्रनगर माहे करिकाल इन साउथ इंडिया. चंद्रनगर माहे एंड करिकाल इन साउथ इंडिया जो प्रारंभिक बस्तियां थी फ्रांसीसियों ने जो अपनी प्रारंभिक बस्तियां या अपनी बसावट या व्यापारिक बुकियां स्थापित की थी वो थी पुडुचेरी चंद्रनगर माहे और करिकाल दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में पुडुचेरी चंद्रनगर महादेव करिकाल नामक क्षेत्रों पर उन्होंने अपनी यानी फ्रांसिसियों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां स्थापित की यानी इन क्षेत्रों पर चंद्रनगर माहे करिकाल और पुडुचेरी इन इन क्षेत्रों पर या इन क्षेत्रों पर फ्रांसिसियों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां स्थापित की एज अ रिजल्ट ऑफ थ्री कॉन्टिनेंटल वार्स बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश द फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज डिस्ट्रॉयड और इसका परिणाम हुआ तीन कॉन्टिनेंटल युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप तीन कॉन्टिनेंटल युद्ध हुए एंग्लो फ्रांसिसियों के मध्य या अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के मध्य तीन युद्ध हुए जिनको कॉन्टिनेंटल वार्स के नाम से जानते हैं और इन युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों की शक्ति को पूर्ण किया नष्ट या फ्रांसिसियों की सत्ता को पूर्ण किया नष्ट कर दिया नहीं अंग्रेजों ने इन तीन कॉन्टिनेंटल वार्स जो हुए थे और इनका परिणाम ये इन युद्धों का यह परिणाम रहा कि अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों की शक्ति को पूर्ण किया अंग्रेजों ने फ्रांसिसियों की शक्ति को पूर्ण किया नष्ट कर दिया ड्यूरिंग द ट्रेड वार्स द कंपनी कैरेड ऑन ड्यूरिंग द ट्रेड वार्स द कंपनी कैरेड ऑन ट्रेड विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्ट थ्रू फोर्टिफिकेशन व्यापारिक युद्ध के दौरान कंपनी जो व्यापार कर रही थी सैनिक शक्ति के साथ जब उन्होंने व्यापारिक कोठियां या उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्तियां जब स्थापित की तो साथ साथ उन्होंने इन बस्तियों का फोर्टिफिकेशन भी या किलेबंदी भी शुरू कर दी थी इन व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी भी शुरू कर दी थी यानी जो व्यापारिक बस्तियां अंग्रेजों ने बसाई थी या इन कंपनियों ने ट्रेड वार के दौरान इन कंपनियों ने जो व्यापारिक बस्तियां बसाई थी ट्रेड वार के दौरान इन कंपनियों ने जो व्यापारिक बस्तियां बसाई थी उन बस्तियों के चारों ओर फोर्टिफिकेशन भी या किलेबंदी भी शुरू कर दी थी This afforded to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. और ये उनका जो किलेबंदी का जो प्रयास था and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers और साथ में जो अत्यधिक लाभ पर व्यापार कमाने की जो स्थिति थी यानी अपनी व्यापारिक बस्तियों का फोर्टिफिकेशन करना अपनी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी करना और साथ में जो अत्यधिक लाभ कमाने की जो स्थिति थी या अत्यधिक लाभ कमाने का जो उनका स्वरूप था ये सब कारण बना स्थानीय शासकों और उनके मध्य विवाद का यानी स्थानीय शासक और इन कंपनियों के मध्य विवाद उत्पन्न हुए द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics और इस प्रकार इन कंपनियों ने द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics और कंपनियों ने इस प्रकार एक कठिनाई से जो व्यापार स्थापित किए थे और इस व्यापार स्थापित किया था और अब ये कंपनियों ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था यानी अब इन कंपनियों ने जो व्यापार करना थी और एक व्यापारिक रूप में स्थापित हुई थी अब ये कंपनियां या इन कंपनियों ने अब एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था या एक राजनीतिक स्वरूप अपना लिया था यानी अब उनका जो तरीका था वो अब राजनीतिक बन चुका था यानी अब ये कंपनियां राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी यानी अब ये कंपनियां राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी यानी ये कंपनियां अब
राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी रीचेस बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी रीचेस बंगाल, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।